हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्यूनिंग फॉर टेस्ट। व्हाट आर द टेस्ट, हाउ टू डू दिस टेस्ट। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले चलिए ये देख लेते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क होता क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टील, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है। चलिए इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे ऊपर ये जो दो सिलेंड्रिकल लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम प्रॉन्ग्स बोलते हैं, और जहाँ से हम ट्यूनिंग फॉर्क को होल्ड करते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टेम, और नीचे का हमारा फूट प्लेट यानी कि बेस। अगर मैं इसकी इन्वेंशन की बात करूँ तो ये एक ब्रिटिश म्यूजिशियन जॉन सोर द्वारा इन्वेंट की गई थी 1711 में। बहुत पहले से ही इसका यूज़ किया जा रहा है हियरिंग को टेस्ट करने के लिए। इसका आज भी यूज़ किया जाता है ऑडियोमेट्री करने से पहले। वैसे तो कई टेस्ट होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क से, लेकिन आज हम इन्हीं चार के बारे में देखेंगे। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम ये देख लेते हैं एयर कंडक्शन का जो पाथवे है और जो बोन कंडक्शन का पाथवे है, पहले उसको समझते हैं। एयर कंडक्शन में क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क से जो भी साउंड निकलती है वो आउटर ईयर, मिडिल ईयर से होते हुए तब हमारे इनर ईयर में जाती है, जबकि बोन कंडक्शन में हमारे जो साउंड होती है वो मैस्ट्रॉइड बोन से डायरेक्टली हमारे इनर ईयर में चली जाती है, जिससे ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर के पाथवे को बाईपास कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेबर टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर टेस्ट की मदद से हम ये देखते हैं कि जो यूनिलेटरल हियरिंग लॉस है वो सेंसोरी न्यूरल टाइप का है कि कंडक्टिव टाइप का है। अगर हम इस टेस्ट की प्रिंसिपल की बात करें तो ये लेटरलाइजेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जिसमें कि पेशेंट को यह बताना होता है कि उसको कौन से डायरेक्शन से साउंड सुनाई दे रहा है। तो चलिए इस टेस्ट का हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके पेशेंट के फोरहेड पे या तो सेंटर ऑफ हेड पे रखते हैं। उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं जो टोन है वो किस ईयर में आ रहा है, बेटर ईयर में आ रहा है कि पुअर ईयर में आ रहा है या फिर दोनों ईयर में आ रहा है। तो चलिए इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि जो टोन है वो उसके बेटर ईयर में आया, तो इसका मतलब है कि उसका जो अपोजिट ईयर है, जो दूसरा ईयर है, उसमें सेंसोरी न्यूरल टाइप का लॉस है। अगर पेशेंट बोलता है कि जो टोन है वो उसके पुअरर ईयर में आया, तो इसका मतलब यह है कि उसके पुअरर ईयर में कंडक्टिव टाइप का लॉस है। अगर पेशेंट यह बोलता है कि जो टोन है उसके दोनों कानों में आया, तो इसका मतलब यह है कि वो या तो नॉर्मल है या तो हो सकता है सेंसोरी न्यूरल टाइप का लॉस है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा टेस्ट जो कि है बिंग टेस्ट। यह जो टेस्ट है वो ऑक्लूजन इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि जब हम एयर कंडक्शन के पाथवे को बंद करेंगे तो टोन की लाउडनेस जो है वो इंक्रीज होता परसीव हो। तो चलिए इस टेस्ट का हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके पेशेंट के मैस्ट्रॉइड बोन पे रखते हैं। उसके बाद फिंगर से हम ट्रैगस को प्रेस करके कैनाल को बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं कि बंद करने और खोलने में टोन की लाउडनेस में कुछ चेंजिंग हुआ। तो चलिए इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर पेशेंट यह रिस्पॉन्स करता है कि ट्रैगस को प्रेस करने यानी कि कैनाल को बंद करने पे लाउडर सुनाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है या तो सेंसोरी न्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस है, जिसको पॉजिटिव बिंग भी कहते हैं। अगर पेशेंट यह बोलता है कि कैनाल को बंद करने और खोलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट को कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस है। तो अब चलिए देखते हैं रीने टेस्ट। यह जो टेस्ट है वो प्रपोज्ड किया गया था हेनरिच एडोल्फ रीने द्वारा इन 1855 में। सो इस टेस्ट में बेसिकली हम पेशेंट के एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन से कंडक्शन में पेशेंट लाउडर सुनता है। तो चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके पेशेंट के ऑरिकल के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद उसके मैस्ट्रॉइड बोन पर रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको वापस ऑरिकल के सामने रखेंगे और फिर उसको हम मैस्ट्रॉइड बोन पे रखेंगे। उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कौन से साइड से टोन लाउडर सुनाई दिया, एयर कंडक्शन से सुनाई दिया कि बोन कंडक्शन से सुनाई दिया। तो चलिए इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं।
अगर पेशेंट यह बोलता है कि जो टोन है वो उसके एयर कंडक्शन में लाउडर सुनाई दिया, तो इसका मतलब यह है कि जो पेशेंट है उसको नॉर्मल है या तो सेंसोरी न्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस है, जिसको पॉजिटिव रीने भी कहते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि जो टोन है उसको बोन कंडक्शन में लाउडर सुनाई दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसको कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस है, जिसको निगेटिव रीने बोलते हैं। कभी कभी दोनों साइड इक्वली लाउड सुनाई देता है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, टाइमिंग को इन्वॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन से साइड वो ज़्यादा देर तक सुनता है। अगर जो टोन है वो ज़्यादा देर तक एयर कंडक्शन से सुनाई देता है एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रीने, और अगर बोन कंडक्शन में ज़्यादा देर तक सुनाई देता है तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव रीने। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू। तो ऐसी ही स्पीच और हियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।